नमस्कार दोस्तों, सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मौजूद है गुड़गांव का सट्टा 29 रंगभूमि थिएटर के बाहर, जहां पे आलोक दासी की तरफ से जिंदगी एक सफर है सुहाना का म्यूजिकल आयोजन किया गया है, जिसमें गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक के सिंगरों ने भाग लिया है, अपनी प्रतिभा को दिखाया है। क्या कहते हैं प्रतिभा और क्या कहती है आयोजक आलोक दासी मीडिया से बात करके, आइए इनसे जानते हैं। रोज म्यूजिकल फाउंडेशन के नाम से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूजिकल प्रोग्राम करता है, और एक संगम कला मंच है जिसके सहयोग से हम म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं। सर कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गानों की आज भी मार्केट में बहुत पहचान है और लोग शोर बुलाते भी आज, उसी के लिए शाम अपने बनाई है, क्या कहना चाहूँगा? एक्चुअली पहचान ही पुराने गानों की है, जो गोल्डन एरा के सॉन्ग्स हैं उन्हीं को लोग सुनना पसंद करते हैं। आजकल के जो को तो लोग कितना भी अच्छा सॉन्ग हो आपको मिलने वाला याद नहीं रहता कौन सा सॉन्ग है, लेकिन ये आप पीछे सुन रहे हैं जो गाना चल रहा है आज से शायद 50 साल पहले का गाना है, लेकिन हर आदमी को आधा याद होगा। ये लास्ट में क्या मैसेज देना चाहूँगी? लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक शेर के साथ मैं आपको बात कहना चाहूँगी कि जाता नहीं हर मर्ज दवा खाने में, जाता नहीं हर मर्ज दवा खाने से, कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। सबसे पहले मैं आप सब न्यूज़ चैनल वालों को नमस्कार करता हूँ, गुड इवनिंग, प्रणाम। आज हम गुड़गांव में रंगभूमि ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम आयोजित कर मुनाकिद कर रहे हैं आलोक दासी के साथ मिलकर। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, मेरा नाम डी के मेहंदी रहता है, मैं और आज इन प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, और जो मेरी वाइफ है वीना मेहंदी रहता है। हम लोग इनके साथ में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इनका जो गीत है वो बहुत ही अच्छे होते हैं गाने, और इनका जो प्रोग्राम होता है वो एक क्लास प्रोग्राम होता है, वो काफ़ी समय से प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं पूरा साथ हैं। जब मैं सेन आ सोशलाइट, अ सोशल वर्कर हु वर्क्स फॉर द नेशन एंड द ह्यूमैनिटी, और मैं म्यूज़िक से बहुत दिल से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो इंसान म्यूज़िक से प्रेम करता है वो इंसानियत से भी प्रेम करता है। और अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में जो आए हुए हैं, ये जो प्रोग्राम है आलोक दास और उनकी वाइफ के द्वारा किया गया है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, शानदार प्रोग्राम है, और क्योंकि मेलोडियस प्रोग्राम है, गीत तो बड़ा प्रोग्राम है और संगीत ही जीवन है, ऐसा मेरा मानना है, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मेरा नाम आलोक दास है और पेशे से मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, शौकिया गाना गाता हूँ, और गाना मैंने शुरू किया अभी 6-7 साल हुए शुरू किए हुए, बचपन से नहीं गाता हूँ। आज जो शो है जिसका नाम है जिंदगी एक सफर है सुहाना, हाँ जी, ये नाम क्यों दिया? एक्चुअली कॉन्सेप्ट मेरी वाइफ का है, राधा का है, राधा जी का है, और ये नाम उन्होंने ही दिया है, इसके बारे में यही बताएंगे। ये अभी तक अकेला करते थे तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा साथ देना चाहिए, इसलिए हमने अभी अपना पहला प्रोग्राम कर रहे हैं रस माधुरी के नाम से। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है एसजी शोएब अली और मैं आलोक सर के इनविटेशन से आया हूँ। आलोक सर का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को चांस दिया यहाँ गाने के लिए, इसलिए उनको मैं बहुत स्पेशल अपने दिल से थैंक्स देना चाहता हूँ। Thank you.
ये सब है सुहाना के आयोजक आलोक दास जी जिनसे हमने खास बातचीत की थी और उन्होंने बताया कि इस तरीके से प्रोग्राम वो आगे करते जाएंगे जिसमें नई जनरेशन के सिंगरों को आगे मौका मिले और एक प्लेटफॉर्म मिले आगे बढ़ने का। कैमरा पर्सन खुशुभम सहगल के साथ जितेश नेजा, दिल्ली, सच की अवतार न्यूज़ दिल्ली।